खाने वाले पानी का जो भाव हो रहा है बहुत ज्यादा बताया जा रहा है फेक न्यूज पे। एक न्यूज वाला आया हुआ है कि भाई बहुत डर का माहौल है यहाँ पे, दिल दिखाता हूँ पानी कैसे लहर मार रहा है भाई सब कैसे छोड़ रहा है। देखो ये सांप देख रहा हूँ, देखो 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 ये जा रहा सांप, ये देखो दोस्तों पच्ची मार्केट दूसरा पुश्ता, पच्ची मार्केट दूसरे पुश्ते में मारे हुए पूरा। तुमने जान बचाई है और क्या, मोहम्मद जमा नाम है। अच्छा मोहम्मद जमा नाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हमारी YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो भाइयों आज हम आए सिग्नेचर ब्रिज पे, लोग स्टार्ट हो रहा है। देखो ये रहा सिग्नेचर ब्रिज और कितनी तादाद में हमारी भीड़ है। और आज हम दिखाने वाले पानी का जो भाव हो रहा है बहुत ज्यादा बताया जा रहा है फेक न्यूज पे, न्यूज पे बताया जा रहा है कि पानी का जो भाव है बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तो भाइयों हम वही देखने के लिए आए, पानी कितना हो चुका और कितना रह चुका, कितना गहरा है कितना नहीं है, ठीक है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे सारा पानी कितना रह चुका और कितना नहीं, और कितना पानी छोड़ा गया और कहाँ से छोड़ा गया वो सब बताएंगे लोग में, हर हर जगह के कैप्चर करके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पानी पहुंचा और कहाँ कहाँ की पब्लिक परेशान है। अभी हम खड़े हैं सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल जस्ट सामने, और यहाँ का पानी जो तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल क्राउड पूरा, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, पूरा पूरा पानी से तानात, पूरा पानी से तानात भरा हुआ है। ये देखो भाई साहब, ये देखो दूर से दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर सिर्फ पानी पानी। सही बात इसकी, 5 मिनट पहले तुम्हें एक सीन हमने जो लिया था वो दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो तुम्हें क्लिप पीछे जाके देखनी पड़ेगी, तो 5 मिनट का पहले जो सीन हुआ है हमने जो कैप्चर करा वो दिखाते तुम्हें, गड़ी गाँव का दिखाते क्या हाल है भाई। चलो गाइस देखो यहाँ पे पानी डूबे, देखो बिल्कुल ही डूबे पड़े हैं सब। और ये देखिए नाव से सामान निकाला जा रहा है और सब सारे घर डूब चुके हैं, जो आधे आधे घर डूब रहे हैं सब। और ये देखिए बहुत पूरा माहौल हो रखा हर तरफ का, ये देखो, ये देखिए अंकल जी आ रहे हैं सामने से, बहुत पूरा माहौल हो रखा है हर तरफ का, पूरी दिल्ली रेड जोन में है। और ये देखिए अपने घर का सामान लेने आ, और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक न्यूज़ वाला आया हुआ है, न्यूज़ वाला आया हुआ है, ताकि चल के देखते हैं। ये न्यूज वाले आगे जा रहे हैं, देखिए भाई साहब कैसे पानी भरा पड़ा हर चारों तरफ, पानी है चारों तरफ। ये देखिए पूरा टर्नल भीगा हुआ है, यहाँ से हम निकलते थे गाड़ी लेके, और मतलब बहुत बड़ी बस्ती बसी हुई है यहाँ पे और सारी भीग चुकी है, सब में पानी भर चुका है। और ये आगे जाएंगे न्यूज वाले, थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, पर ये देखिए आगे जा रहे हैं बंदे, ट्यूब लेके जा रहे हैं, देख रहे हो ट्यूब लेके जा रहे हैं बंदे। और बाकी भाई बहुत डर का माहौल है यहाँ पे, दिल्ली पूरी रेड जोन में है। देखिए कैसे जा रहे हैं आगे, अपने घर का सामान लेने जा रहे हैं, और बाकी यार कुछ घर के लोग भी फंसे पड़े हैं। और ये देखिए ये न्यूज़ वाले नाव से जा रहे हैं और ये उससे जा रहे हैं ताकि डूबे ना, बाकी ज़्यादा गहरा तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा गहरा हो, पर पानी बहुत आया हुआ है। और देखिए भीड़, देखिए कितनी भीड़ है, हर कोई देखे पड़ा, हर कोई देख रहा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया तुम्हें कि देखो ये निशान में जूम करके दिखाता हूँ, ये ऊपर का निशान जो दिख रहा तुम्हें, यहाँ तक का पानी था, अब तो अल्लाह के शुक्र से बहुत कम हो चुका है पानी। ये देखो भाइयों, और वहाँ के बंदे जो जा रहे हैं, वहाँ का जो सामान वामान जो रह चुका है किसी का, वो पूरा बंदा डूब चुका है। ये देखो, ये देख लो तुम इतनी दूर से, वो सामान वामान निकालने के लिए जा रहे हो, और इतना ऊँचा पानी था, देखो यहाँ तक का, ए मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, यहाँ तक का पानी था, और अब तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन अपने कुंड से पानी छोड़ा गया। आप देखते हैं यहाँ से आता नहीं आता, और पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में, देखो कैसा डेरा बना रखा है पूरी पब्लिक। ये देखो रोडों पे अपनी गायें वाएं निकाल के, गायें जो होती हैं भाई साहब इन्होंने रोडों पे सब चीज़ रोड पे ला रखी है इन्होंने, ये देखो अपने घर बाहर जो होता है सब रोड पे ला रखा है। और यहाँ पे ये देखो कितनी तादाद में पब्लिक दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ज़्यादा पब्लिक तादाद में हुई पड़ी है। देखो भैया मुसीबत तो सबके लिए ही है, एक के लिए नहीं सबकी मुसीबत है। मैं आगे जाकर तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ कि कितना जाम लगा पड़ा पूरे सिग्नेचर ब्रिज वाला ये रोड है। सिग्नेचर ब्रिज यहाँ से जो खजूरी से निकल के सीधा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाता है ये वाला रोड है, और इतनी भीड़ तादाद में भीड़ लगी पड़ी है बहुत ज़्यादा। और आगे जाके मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ लग रही है भाई साहब, पूरा रोड जाम कर रखा है, भीड़ के चक्कर में पूरा रोड जाम कर रखा है। ये देखो हमारी गाड़ी ये रही, और बाकी देखो कितना जाम लग रहा है, कितना रोड दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब हम जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, सिग्नेचर ब्रिज की तरफ जाने के बाद देखते हैं वहाँ पे कितना पानी आया हुआ है, कितना नहीं वहाँ का भी दिखाएंगे। और हमारे भाई देखो बहुत सारे भाई हैं हमारे, कांवड़ भी लेके जा रहे हैं, और देखो मैं दिखाता हूँ, ये भाई हमारे भाई सारे कांवड़ लेके निकले, भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यार,
देखो यार, सावन का महीना, पीछे से पानी छोड़ा गया, ये तो कोई किसी के लिए नहीं करवा रहा। पीछे से पानी छोड़ा गया तो जिसके पास जाता है तो वो तो सोचता है ना अपनी तरफ से यहाँ से निकल जाए। चलो भाई कोई बात नहीं, परेशानी हर किसी को, एक को नहीं हर किसी को परेशानी है भाई। चलो जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ जाने के बाद वहाँ पे कैसा पानी बता सिलेंडर जिसके बाद वो चमड़ा कितनी चल रही है पूरी भर के चल रही है वो भी दिखाते हैं। ये देखो भाइयों, अब हम आ चुके हैं अपने सिग्नेचर ब्रिज पे। सिग्नेचर ब्रिज ये रहा हमारा, और यहाँ पे बहुत तादाद में भाई साहब भीड़ लग रही है। देखो यार, सब पानी की तरफ देख रहे हैं। ये देखो सिग्नेचर ब्रिज पे कितनी तादाद में भीड़ लगी पड़ी है। ये देखो भाई साहब, सिग्नेचर ब्रिज पे कितनी तादाद, पूरा जमुना का पानी ये देखो कितना चल रहा है। अब तो पहले से बताया गया है कि बेहतर बहुत कम हो चुका है पानी, लेकिन पीछे से जो पानी छोड़ा गया है वो अभी तक आया नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अब देखते हैं, हाँ थोड़ी देर बाद अपनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है वहाँ तो लगा जाएगा। और ये देखो भाई साहब, पूरा पानी इतना चल रहा है कि भाई साहब बंदा ना बंदे की जात दिखेगी बिल्कुल भी। और सिग्नेचर ब्रिज पर जो भीड़ तादाद में जो भीड़ लगी पड़ी है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो कितनी तादाद में इधर भी लोग भाग हैं, इधर भी लोग भाग हैं, और इधर भी लोग भाग हैं। फिर देखो हर जगह लोग भाग हैं हमारे, जस्ट हमारे सिग्नेचर ब्रिज है। मैं पल्ली तरफ जाता हूँ, पल्ली तरफ जाके दिखाता हूँ तुम्हें। पल्ली साइड भी आ चुके हैं हम, पहले हमने उस तरफ का दिखाया सिग्नेचर ब्रिज की, पल्ली साइड का दिखाया जहाँ पे मजदूर टीले की तरफ जाता है। और ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें वजीराबाद की तरफ का। ये देखो यहाँ से जो पानी आ रहा है, इस तरफ से पानी आ रहा है, तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ पानी कैसे लहर मार रहा है भाई सब, कैसे छोड़ रहा है, छोड़ा गया और कैसे आया जा रहा है। ये देखो भाई, बस भाई मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह रहम करे, बस और कुछ नहीं पड़े भाई। हम सोच रहे हैं लोहे के पुल के पास भी जाएं, लोहे के पुल पर जो पानी भरा पड़ा वो पूरा डूबा पड़ा लोहे का पुल जो है वो पूरा डूबा पड़ा पूरा। उसकी सोच रहे हैं हम वहाँ जाके तुम्हें एक ब्लॉग बनाएं। अगर तुम्हें चाहिए वहाँ का ब्लॉग तो फटाफट कमेंट में बता दो कि वहाँ का भी तुम बताओ, और जहाँ का भी तुम्हें ब्लॉग चाहिए वहाँ का भी बताओ फटाफट। देखो पानी किस तरीके से लहर मार रहा है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये देखो पानी कैसे जूम करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, पानी तुम्हें जिस तरीके से दिख रहा भाई साहब उस तरीके से दूर तक का पानी दिख रहा है, सिर्फ दूर से दूर। अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो ब्लॉग बनाते बनाते उस तो सिर्फ कह रहा सानू भाई, अगर ब्लॉग बनाते बनाते पानी गिर जाए, वो फोन गिर जाए पानी में फिर क्या होगा। उस्मान भाई कह रहे बहन भाई मुझे नहीं पता कौन चाहिए। चलो तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाइयों हमें यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, हाँ मेरी जान, तो यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिले थे। तो भाइयों जो आगे कश्मीर के जो पानी भरा हुआ वो दिखाएंगे तुम्हें, और बताया गया है 17 लोगों की अभी तक का मौत भी हो चुकी है, 17 लोग जो है वो मर भी चुके हैं पानी के बहाव से, पानी के कारण। यार बस दुआ करते रहो, बस कहते रहो कि भाई जो भी रहे सुरक्षित रहे, सब जहाँ भी है जैसा भी है भाई, जहाँ पे जिसका पानी भर रहा है वो अपने गांव चले जाए तो बेहतर है, जो सारा सामान है वो सारा सामान लेके गांव चले जाए। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ तुम्हें पाव दिखाएंगे। कैसे दोस्तों, हमारी धन्नो भी आ चुकी है, अब धन्नो पे बैठ के हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे का रोल दिखाएंगे तुम्हें, आगे का कैसा क्राउड हो रहा है कैसा नहीं। और भाई साहब एक बात मैं कहना चाहूँगा, कावड़ भी हो रहे हैं भाई हमारे, भाई कावड़ लेके जा रहे हैं बहुत सारे बंदे, हरिद्वार जा रहे हैं ठीक है। और ये देखो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वजीराबाद के पुराने वाले जो लोहे का पुल था उसके पास आ चुके हैं हम। ये देखो कितना वो चल रहा है। ये देखो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल जमने के बिल्कुल पास वाली साइड में। ये देखो पानी बिल्कुल मेरे ये रहा, यहाँ तक का पानी दिखाई दे रहा पूरा। और ये जो पुल दिख रहा तुम्हें ये वजीराबाद का पुल है। अभी हम कहाँ से आ रहे हैं मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अभी हमारे सिग्नेचर ब्रिज से वो जूम करके मैं दिखाता हूँ, वहां से हमने तिरकप तुम्हें पानी का बहाव दिखाया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक का था, मैं इस साइड में आ चुका हूँ। ये पूरा लोहे का पुल है पुराना वाला, ये देखो कितना जूम करके दिखाता हूँ, पानी देखो कितनी तेजी में चल के दिखा रहा भाई हो बिल्कुल। ये पुल भी थोड़ा सा रह गया डूबने से, जैसे लोहे का पुल हो गया है ऐसे ही ये डूबने से रह गया वहाँ। ये पानी पूरे में पानी देखो कैसा होया पड़ा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर भी थोड़ा बहुत पानी में चला गया है, अफसोस की बात है कहना चाहिए। ये देखो मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत मंदिर जो है पानी में चला गया भाई हो, बस ऊपर वाला रहम करे, हम तो यही कहेंगे बिल्कुल कि पानी से सभी चीज़ को बचाया जाए भाई, क्योंकि देखो मस्जिद भी मंदिर भी बात एक ही होती है ठीक है। और हर चीज़ जो भी जा रही है तो देखो दिल से बुरा लगता है, पूरे में पानी देखना है कैसे रहा जा रहा है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों ये गाय वगैरह जो है यहाँ पे मंदिर है यहाँ पे भाई, देखो कैसे पानी में निकल के जा रहे हैं। ये देखो तुम भाइयों बिल्कुल, और जमुना के बिल्कुल ये सांप कहाँ है, देखो ये सांप देख रहा हूँ, देखो देखो ये जा रहा सांप ये तो भाई अब हम आ चुके हैं अपने धन्नो के पास। धन्नो ये रही हमारी टीम 94, ये हमारा बहुत साथ देती है भाई साहब, हर जगह जाने का ये साथ देती है। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ वजीराबाद के पुल पर, भी पानी भरा हुआ है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें आगे जाने के बाद। मेरी नजरों में बिल्कुल पानी दिखाई दे रहा है भाई साहब बहुत सारा, वजीराबाद का जो पुल है पूरा दिखाई दे रहा है। चलो भाई चल पा रहा, इससे आगे पानी कितना भरा पड़ा ये देखो, ये जा रहा पानी,
ये चीजें जा रही है भाई साहब, बहुत पूरा पानी भरा हुआ है। हम आ चुके हैं सोनिया विहार के तीसरे पुश्ते पे। तीसरे पुश्ते पे भी बहुत ज्यादा तादाद में मेरे को भीड़ दिखाई दी, क्योंकि इस तरफ तो ज्यादा ही पानी का बहाव बहुत ज्यादा बताया गया है। ये देखो मैं तुम्हें भीड़ की तादाद दिखाऊंगा, भीड़ देखो किस तरीके की है। यहाँ पे पानी बिल्कुल इतना फास्ट से आया जा रहा है। ये देखो तुम्हें भीड़, देखो मैं तुम्हें एक सेकंड भीड़ दिखाना चाहूंगा सही से, पूरी की पूरी भीड़ दिखाई जा रही है भाई साहब। तो यहाँ पे जो आया हुआ है पानी, बहुत ज्यादा तादाद में पानी आया हुआ है भाई साहब, और भीड़ भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। मैं आपको एक थोड़ी आगे जाके दिखाना चाहूंगा। तो भाइयों यहाँ पे सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे बंदे खड़े करे हैं। जो टावर है यहाँ का, टावर तक का नीचे तक का गिर चुका है, और पानी बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास आ चुका है। मैं ये देखो तुम कार से बिल्कुल पानी दिखाना चाहूंगा। ये देखो रोड के बिल्कुल कितना पास पानी आ चुका है, पानी पूरे में पानी। ये जो टावर है आधे में, तुम्हें टावर दिखाना चाहूंगा, ये टावर भी पूरे आधे पानी में डूब चुके हैं। पूरी दूर से दूर तक का पानी का बहाव है। कौन सा पुश्ता भाई साहब? ये दूसरा मच्छी मार्केट, दूसरा पुश्ता। मच्छी मार्केट दूसरे पुश्ते में आए हुए हैं, पूरा पानी के बहाव से। देखो लगकर नाव दिखाई दे रही है, देखो ये देखो दोस्तों, अगर आपको नाव दिखाई दे रही होगी तो बताना जरूर। यहाँ पे कुछ था शायद मैं भूल गया यहाँ पे, मैं देखो पानी के भाव से सब कुछ भूल गया, ठीक है। और पेड़ जो जितने डूब चुके हैं, ये देखो तुम्हें पेड़ दिखाता हूँ तुम्हें एक सेकंड, कितने डूब चुके हैं। सारा पानी बिल्कुल रोड के पास आ चुका है। ये देखो दोस्तों जो ये बना रखा है, यहाँ पे था क्या? ये मंदिर था, यहाँ पे मंदिर था, मंदिर भी डूब चुका है। मंदिर भी डूब चुका है यार दोस्तों। देखो बहुत बुरी बात है सुनने को, तो यार बहुत बुरा लगा। मीडिया वाला आया था पानी में, तो घुस के लाश निकाला था, लाश एक डूब रहा था। अच्छा यहाँ पे डूब रहा था कोई? हाँ यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे कोई डूब रहा था, तो एक मीडिया वाला आया था, उसने लास्ट यहाँ पे मतलब बच गया, तो बच गया वो, बच गया, मैं निकाल के उसको घर ले। तो यहाँ पे ज्यादा घेरा है, बहुत ज्यादा घेरा है, यहाँ पे पूरे में घेरा है, कम से कम 40 फुट कम से कम 40 फुट घेरा बताया गया है यहाँ पे दोस्तों, 40 फुट घेरा। और ये जो पूरा एरिया बना रखा है ना उन्होंने, यहाँ पे मंदिर था यार, बहुत बुरी बात सुनने को मिली, यहाँ पे मंदिर भी डूब चुका। मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया है, अंकल जी ने जान बचाई है। तुमने जान बचाई है? और क्या, मोहम्मद जवान नाम है। अच्छा मोहम्मद जवान नाम है, बिल्कुल भाई साहब। ये देखो जो अभी डूब रहा था उसका नाम मोहम्मद जवान नाम बताया गया, वो बेचारा बच चुका, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो मंदिर था, मंदिर भी पूरा डूब चुका है भाई। और पिछले भी अभी मैं वजीराबाद की तरफ से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने तुम्हें मंदिर दिखाया, वो मंदिर भी पूरा थोड़ा बहुत नीचे डूब चुका है। बहुत बुरी बात है यार, देखो सुनने को तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन पानी का भाव अगर कम हो जाए तो हमारे लिए भलाई है। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि नाव वाला गया लाश देखने की, कि लाश बह के आ रही कि नहीं बह। अच्छा 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 अच्छा, जो नाव चल रही है वहाँ पे, नाव चल के ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कोई लाश वगैरह तो नहीं आई हुई कहीं की बह के, क्योंकि पानी कहाँ से कहाँ भाव आ रहा है। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले मैंने वजीराबाद पे ये दिखाया था कि एक सांप भी निकला था, बहुत मोटा बड़ा सांप दिखाया मैंने वीडियो में, तुमने पीछे भी देखा है। तो इसी चक्कर में ये देखने जाने का, कोई लाश वगैरह तो नहीं आई हुई पीछे से, अगर आई हुई है तो उसको बचा लिया जाएगा और सुरक्षित अपने घर पे जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पे पहुँचा जाएगा। अब हम जा रहे हैं भाई साहब सीधा अपने घर। चलो तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग का एंड, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर जाना, और एक प्यारा सा कमेंट कर जाना कि कमेंट में बस दुआ करना कि ये जो दिल्ली है बहुत सेफ रहे भाइयों। और आपको हमने जितना कैप्चर दिखाना तो हमने दिखा ही चुके हैं भाइयों, कमेंट बिल्कुल बॉक्स भर देना चाहिए कि तुम्हें जो कमेंट में आपको बता दो हमें कहाँ का लोहे का पुल का, अगर हमें ब्लॉग बनाए तो कमेंट में जरूर बताना कहाँ का ब्लॉग बनाया जाके। और अगर ब्लॉग को थोड़ा बहुत भी प्यार लिख दिखाएगा या साफ वगैरह भी जो भी तुम्हें कहना चाहो वो कमेंट बॉक्स में आप अपने लिख सकते हो, कह सकते हो। और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, आशा करता हूँ ये ब्लॉग बहुत प्यारा लगा होगा। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।